शिवपुरी से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, शिवपुरी एसडीएम कार्यालय से जहां आज पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू ने कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। दरअसल बुधवार की सुबह 11:30 बजे पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश शर्मा जिनेश जैन के साथ अचानक से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। असमंजस के बीच शिवपुरी से भरा फॉर्म। बता दें कि शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह कक्काजू का एक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो रविवार का बताया गया है, जहां विधायक केपी सिंह कक्काजू अपनी पिछोर विधानसभा क्षेत्र के पिछोर कस्बे में छत्रसाल स्टेडियम में पिछोर से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां से मैं आज प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा या मैं वापस पिछोर लौटूंगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मान के चलना कि हो सकता है मैं कल वापस पिछोर लौट जाऊं। वहीं केपी सिंह कक्काजू के इस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल कर देख रहे थे, लेकिन आज केपी सिंह कक्काजू द्वारा शिवपुरी से नामांकन दाखिल कर देने के बाद फिलहाल ये स्पष्ट है कि केपी सिंह शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगे। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से निकले केपी सिंह ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केपी सिंह ने कहा, 30 के बाद करूंगा मीडिया से बात। सर क्या 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 कहेंगे सर? सर आज नाम सर इतनी दूरी क्यों? 30 के बाद नहीं, फिर सर पहले 18 की कह दिया आपने मेरे से। पहले आपने बोला था 18 के बाद।